देखिए रंग जाऊं तेरे रंग में, सोमवार से शनिवार रात 10 बजे सिर्फ दंगल टीवी पर। तू तो झूठी है ना, इंस्पेक्टर साहब अब जल्दी से एम्बुलेंस को कॉल कीजिए। अब कोई फायदा नहीं है राजीव जी, हम लोगों ने ढूंढने में देर कर दी। माता रानी ऐसा कुछ नहीं कर सकती हमारे साथ। रुद्रजी उठिए। भैया जी, रुद्रजी आपको उठना होगा। रुद्रजी ये तो जिंदा हो गया, कहीं इसने सब कुछ सुन ना लिया होगा। तेरी हिम्मत कैसे हुई यहां खड़ी होकर मेरी आंखों में आंखें डालकर देख रही है, मुझसे नजरें मिला रही है तू? शुक्र मनाइए कि सिर्फ आंखों में आंखें डालकर देख रहे हैं, वरना कल जो आपने किया उसके बाद हम क्या कर सकते हैं इसका अंदाजा तो हमें भी नहीं है। वो क्या है कि सबूत नहीं है हमारे पास कुछ आपके खिलाफ, तो सबको लग रहा है कि आप बहुत महान हैं, लेकिन वो दिन भी दूर नहीं है जब सबके सामने आपका सच बाहर आ जाएगा। खास करके आपने हमारे पति की जिंदगी के साथ जो खिलवाड़ की है, जो हदें पार की है ना आपने, उसकी सजा तो हम आपको दिलवा कर ही रहेंगे। तू मुझे सजा देगी? तू जा यहां से। बकवास करती सजा देगी। आपके पल्लू पर लगा ये दाग आपसे संभला नहीं गया और आप हमसे बड़ी बड़ी बातें कर रही हैं। ऑनलाइन रहने दो, लखन को बोल के मार्केट से मंगा लो। नानी माँ, नानी माँ, क्या हुआ है राजू? माँ आपने नानी को देखा कहीं? नहीं तो माँ यहाँ नहीं है। राजवीर, नानी को देखा तूने कहीं? भैया मैं खुद ढूंढ रहा हूँ नानी को। जब से रुद्र जी घर में आए तब से नानी घर में नहीं दिख रही। कहाँ चले गए? देवयानी, नानी को देखा तुमने कहीं? नहीं तो नानी, 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 नानी का फोन यहाँ है तो नानी कहाँ है?
नानी नानी माँ कहाँ जा सकती है ऐसे वक्त? नानी माँ यहाँ पर भी नहीं। राजवीर नानी घर पे नहीं। हाँ भैया मैंने बाहर भी देख लिया, नानी यहाँ तो नहीं है। मैं देख कर आता हूँ कहाँ है। रुद्र जी अभी अभी मौत के मुंह से वापस लौटे हैं, हमें नहीं लगता है कि आपको इतना परेशान होना चाहिए। कुछ नहीं हुआ होगा नानी को, यहीं कहीं होंगी। और आप सभी परेशान मत होइए, अगर नानी का फोन घर पर है तो वो यहीं कहीं होंगी, बाहर नहीं गई होंगी। हम भी देखते हैं। नानी माँ क्या हुआ? इतनी सी देर में इतनी हालत खराब हो गई आपकी? तो जरा सोचिए, जब कल आपने हमारे पति को अकेले इतने देर तड़पने के लिए छोड़ दिया था तो उन पर क्या बीत रही होगी? क्या लगा आपको हम ज्योति है डर जाएंगे, भाग जाएंगे, घबरा जाएंगे? हमारा नाम देवयानी और हम भागने वालों में से नहीं। और हमारे बारे में एक और चीज ध्यान में रखिएगा, अगर आपने हमारे पति पर या हमारे परिवार पर अपनी बुरी नजर डालने की कोशिश भी की ना तो उस नजर को आसानी से उतारना आता है हमें। जिस तरह से हमें रिश्तों का सम्मान करने आता है उसी तरह से उन्हें बचाने के लिए भी हम किसी भी हद को पार कर सकते हैं, सारी मर्यादाएं तोड़ सकते हैं, उतना साहस तो है हमें। पानी गरम था ना? सॉरी। लेकिन जिस तरह से ये कांच टूटा है ना, ठीक उसी तरह आपका ये अच्छाई वाला मुखौटा भी तोड़ देंगे हम सबके साथ। जहां तक बात ज्योति की है आप फिक्र मत कीजिएगा, वो हमें जल्दी मिल जाएगी और तब आपका खेल खत्म।